अस्सलाम वालेकुम एडवांस क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एडवांस क्लास आज आपका लेक्चर नंबर, जीके का लेक्चर नंबर 4 है। कौन सा है? जी, जीके का लेक्चर नंबर 4। फर्स्ट में आपने हु एम आई, मैं कौन हूँ। सेकंड में आपने पढ़ा माय फैमिली, मेरा ख़ानदान। थर्ड में आपने पढ़ा माय बॉडी, मेरा जिस्म। और आज फोर्थ लेक्चर में आप पढ़ेंगे एम वाई माय एच ओ एम ई, होम, मेरा घर। ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं आपका घर। सबसे पहले हम डेट और डे मेंशन कर लें। हस्बे मामूल आज है 2/5/2506 यानी जून 2020। ठीक है, नेक्स्ट सी ए मीन्स क्लास असाइनमेंट। और डे है आज THURSDAY, थर्सडे। ठीक है, डेट क्लास असाइनमेंट एंड थर्सडे यानी डे। माय होम, मेरा घर। ठीक है, ये अब जो बुक है इसमें ये घर की पिक्चर बनी हुई है सामने। ठीक है, ये इस बुक के बच्चे का घर है। ठीक है, जिसके बारे में आपने शुरू में पढ़ा ये उसका घर है। इसी तरह आप लोग जहाँ रहते हैं वो आपका घर है। आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उस घर में आपकी दादा दादू रहते हैं, मम्मा रहती हैं, पापा होते हैं, बहन भाई होते हैं, बहुत से बच्चों के ताया ताई या चाचा चाची भी उनके साथ होते हैं। ठीक है, तो जिस जहाँ पे आप रहते हैं अपनी फैमिली के साथ वो आपका घर होता है, होम होता है। ठीक है, अब होम में जो मुख्तलिफ कमरे होते हैं उन कमरों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। ठीक है, घर में जो मुख्तलिफ कमरे हैं उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। अब ये देखें, DRAWING ड्राइंग, पेज नंबर 8 पे ये पिक्चर बनी हुई है ना। DRAWING ड्राइंग, ROOM रूम, ड्राइंग रूम। ये जो ड्राइंग रूम होता है जिसको यहाँ पे सब लोग बैठक कहते हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने अपने गेस्ट के लिए कमरा रखा हुआ होता है कि कोई गेस्ट आ जाएं तो आप लोग उनको उस कमरे में बिठाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ड्राइंग रूम। ये मेहमानों का कमरा होता है कि कोई मेहमान आए तो वो उनको आप लोग उस कमरे में बिठाते हैं, ड्राइंग रूम कहलाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है DINING डाइनिंग, ROOM रूम, डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम जो है वो आपका खाना खाने की कमरा होता है। ठीक है, डाइनिंग रूम क्या होता है, कौन सा कमरा है? खाना खाने का कमरा, जहाँ पे डाइनिंग टेबल होता है। बाज़ औक़ात बहुत से लोगों ने नीचे फ़र्श पे चटाई वगैरह या कारपेट बिछाया होता है, वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं दस्तरखान बिछाकर। तो जहाँ जिस जगह पे आप लोगों का वो जो कमरा होता है खाना खाने का वो क्या कहलाता है? डाइनिंग रूम कहलाता है। नेक्स्ट BED बेड, ROOM रूम, बेड रूम। जी, जहाँ पे बेड बिछे हुए होते हैं वो कमरा क्या कहलाता है? बेडरूम, जहाँ पे आप लोग रात को सोते हैं, रेस्ट करते हैं, वो आपका बेडरूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट KITCHEN किचन। जी, घर का सबसे अहम हिस्सा किचन। किचन जहाँ पे मम्मा खाना पकाती हैं आप लोगों के लिए, मज़ेदार से मज़े मज़े के खाने बनाती हैं आपके लिए, फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हैं, नूडल्स बनाती हैं, बिरयानी बनाती हैं। ठीक है, आप लोग भी अपनी मम्मा की हेल्प किया करें खाना पकाने में। ठीक है, ये क्या है? किचन, जहाँ पे खाना पकाया जाता है। दोबारा से देखें, माय होम यानी मेरा घर, ये घर की पिक्चर दी हुई है। घर में अब जो मुख्तलिफ कमरे होते हैं उनको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। सबसे पहले ड्राइंग रूम, मेहमानों का कमरा, जब जब मेहमान आए तो आप लोग उनको उधर बिठाते हैं। फिर है डाइनिंग रूम, जहाँ पे आप लोग मिलके खाना खाते हैं। फिर बेडरूम, जहाँ पे आप लोग रेस्ट करते हैं, सोते हैं। नेक्स्ट किचन, जहाँ पे मम्मा खाना पकाती हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 9। यहाँ पे माय होम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उनको आपने टिक और क्रॉस करना है। ठीक है, इन द स्क्वायर अलोंग ईच वर्ड टिक दोज थिंग्स विच यू सी इन द पिक्चर, इसमें एंड क्रॉस दोज दैट यू डू नॉट सी। इसमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि इन द स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसके साथ ये वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पिक्चर को गौर से देखना है
और आपने इस पिक्चर से रिलेटेड जो इस पिक्चर में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके सामने आपने टिक लगाना है, और जो नाम इधर दिए हुए हैं लेकिन वो इस पिक्चर में नहीं हैं उनके सामने आपने क्रॉस लगाना है, काटना है। ठीक है, एडवांस क्लास समझ आ रही है, चले मेरे साथ साथ करें। सबसे क्या है, सी यू पी कप, क्या है सी यू पी कप। अब इस पिक्चर में देखें कप आपको नज़र आ रहा है, जी ये रहा टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है कप, तो इसमें हम क्या करेंगे टिक लगा देंगे कि कप मौजूद है। नेक्स्ट क्या है, टी ए बी एल ई टेबल, टी ए बी एल ई टेबल, टेबल तो ये रहा सामने पिक्चर में, तो आपने इसको भी टिक कर देना है। नेक्स्ट देखें एस ओ एफ ए सोफ़ा, एस ओ एफ ए सोफ़ा, जी इस पिक्चर में आपको सोफ़ा नज़र आ रहा है, जी ये रहा, वेरी गुड। अब इसको भी हम क्या करेंगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखें सी एच ए आई आर चेयर, सी एच ए आई आर चेयर, अब देखें इस पिक्चर में आपको चेयर नज़र आ रही है, नो इस पिक्चर में चेयर तो कहीं पर भी नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे क्रॉस काट देंगे ऐसे। बी ई डी बेड, बी ई डी बेड, इस पिक्चर में आपको बेड नज़र आ रहा है, जी ये रहा बेड, ये क्या है बेड, तो इसमें हम क्या करेंगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखें टी ई एल ई टैली, वी आई एस आई ओ एन टेलीविजन, क्या है टेलीविजन, टीवी को, टीवी जो है वो टेलीविजन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है टेलीविजन, जी आपको इधर नज़र आ रहा है टेलीविजन, जी ये रहा सामने, तो हम इसको क्या करेंगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखें बी डबल ओ के एस बुक्स, बी डबल ओ के एस बुक्स, जी पिक्चर में आपको बुक्स नज़र आ रही हैं, जी ये टेबल पे पड़ी हैं सामने, तो इसको क्या करेंगे टिक कर देंगे। एल ए एम पी लैम्प, एल ए एम पी लैम्प, लैम्प को देखें इधर, जी ये देखें सामने, ये जो साइड टेबल्स टीवी के पास पड़ी हुई हैं इसमें ये ऊपर ये लैम्प पड़ा हुआ है, ठीक है ये लैम्प, इसको हम क्या करेंगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट ऊपर आ जाएं, जी ए एस गैस, सी वाई एल आई एन डी ई आर सिलेंडर, गैस सिलेंडर, अब रूम में तो गैस सिलेंडर का कोई काम ही होता, वो तो अगर होगा तो किचन में होगा ना, तो यहाँ पे रूम में तो गैस सिलेंडर नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स, जी ये देखें फ्लावर्स ये भी पड़े हुए हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, ये इसको हम टिक कर देंगे। एफ आर आई डी जी ई फ्रिज, एफ आर आई डी जी ई फ्रिज, जी स्टूडेंट्स इस पिक्चर में आपको फ्रिज नज़र नहीं आ रहा ना कहीं पर भी, तो इसको हम क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। जी एल ए डबल एस ई एस ग्लासेस, जी एल ए डबल एस ई एस ग्लासेस, ये देखें ये टेबल पे पड़े हुए हैं दो ग्लास, एक ग्लास हो तो ग्लास और दो हो तो ग्लासेस, तो इसको हम टिक कर देंगे। पी एल ए टी ई एस प्लेट्स, जी प्लेट्स नज़र आ रही हैं आपको, जी ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं ना, वेरी गुड ये प्लेट्स। जे यू जी जग, ये रहा जग, तो इसको हम टिक कर देंगे। जो भी पिक्चर्स आपको चीज़ें आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही हैं उसको आपने टिक करना है, और जो नहीं नज़र आ रही उनको आपने क्रॉस करना है। पी आई डबल एल ओ डब्ल्यू एस पिलोज, पी आई डबल एल ओ डब्ल्यू एस पिलोज, जी पिलोज नज़र आ रहे हैं, जी ये देखें ये रे पिलोज, तो इसको हम टिक कर देंगे। एस ए एल टी सॉल्ट, सी ई डबल एल ए आर सेलर, सॉल्ट सेलर यानी नमकदानी, क्या होती है ये नमकदानी जिसमें मम्मा नमक डालती हैं आप लोगों के लिए, जब एग बॉयल करती हैं तो उसके ऊपर नमक छिड़कती हैं ना, जी ये रही नमकदानी, ये देखें ये छोटी सी कप के साथ सामने जग के साथ इधर पड़ी रखी हुई है ना, तो इसको क्या करेंगे हम टिक कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स समझ आ गई, उम्मीद है आप लोगों ने मेरे साथ साथ ये काम किया होगा टिक और क्रॉस वाला। जिन बच्चों ने मेरे साथ नहीं किया है उनके सामने स्क्रीन पे ये पिक नज़र आ रही होगी, उनको उसको देख के फॉलो करके सारा अपना काम कर लें, नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मम्मा पापा का भी बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बहन भाइयों का भी, सबका। ठीक है ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।